कहाँ पे टर्न लेफ्ट यार, ये गूगल ने हम लोग को पागल कर रखा है भाई। आई थिंक इस मॉल के अंदर हो, किसी से पूछते हैं। तो ये सीसी में कहीं होगा। आधे घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और सिर्फ एप्पल का ग्राउंड पर है, सर्विस सेंटर चाहिए पांचवे पे। गाड़ी अंदर, वहाँ टोकन निकालिए गाड़ी। ठीक है भाई, हम लोग जानते हो आधे घंटे से गूगल हम लोग क्यों दौड़ा रहा था, क्योंकि हम लोग एप्पल का सर्विस सेंटर ढूंढ रहे थे। और कौन कहता था भाई कि एप्पल ख़राब नहीं होता है। ये देखो 5 महीने हुए हैं भाई साहब के दम निकल गए हैं, चार्जिंग इशू आने लगा तभी लेकर गए सर्विस सेंटर। ये खोजते खोजते एंड ये लोकेशन देखो यार, बहुत सही सा लोकेशन पर है। तो अभी नीचे में ना दो प्लॉट दिख रहा है, एक मोहित भाई कर रहा है और एक हम भाई करने की सोच रहे हैं। बस अभी सोच ही सकते हैं, सोचने के भी पैसे ना लग जाए। चलो जैसे लिफ्ट से भैया बाहर आए, सामने में ही अपना सर्विस सेंटर। देखो एप्पल को इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अंधभक्तों सुधर जाओ। A few moments later, चलो भैया चला जाए, क्योंकि अभी एप्पल वालों से वार्तालाप करके हम निकल रहे हैं। भाई ये वहम मत पाला करो कि एप्पल ख़राब नहीं होता, एप्पल ये नहीं होता, एप्पल वो नहीं होता। भैया एप्पल में सब कुछ होता है। ये देखो भाई, ये वन ऑफ द फेवरेट बाइक में से एक ये भी है। अगर कभी अगर अपन इस टाइप की बाइक सोचे ना, तो ये समझ लो उस लिस्ट में है। बट क्या है कि अपने पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता ना भाई, तो अपन सोचते ही नहीं है। इस मॉल का हालत बड़ा डामाडोल हुआ पड़ा है भाई। अभी जो लोकेशन पे है भाई, ये है गोमती नगर और ये है सिनेपोली मॉल। यहीं पे 5th फ्लोर पे है भाई एप्पल का सर्विस सेंटर। भाई मॉल की हालत तो मतलब बाहर से तो सही सही है, अंदर से बड़ा थोड़ा 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 अजीब सा हो रखा है। समझ लो ये एक प्राइम एरिया में से एक है लखनऊ का। एंड एक मेरा फेवरेट कैफ़े है यहीं पे पास में, किसान बाज़ार है, किसान बाज़ार के अंदर जा कर के मुझे वहाँ जाना हमेशा अच्छा लगता है। बट अभी क्या है कि अभी जस्ट हम आए हैं, एक छोटा सा काम निपटाए हैं। एक भाई का आईफोन ख़राब हो गया था, समझ रहे हो, तो इसके लिए अभी अपन काम वगैरह निपटा करके भाई का अपन जा रहे हैं वापस से। एक सूट निपटाना, एक इम्पॉर्टेंट सूट है, उसे निपटाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमेंगे एंड कुछ खाएंगे एंड घर चले जाएंगे। वेरी सिंपल। भाई बैक फायर तो इतना ख़तरनाक मारने लगा है ना ये बैक फायर, वाह। भाई इस साइड के जो मॉल है ना, इस एरिया के, पता नहीं क्यों बड़े खाली खाली से रहते हैं भाई, बहुत खाली खाली। ये जितना देख रहे हो ना, ये सब मतलब बहुत खाली है भाई, बहुत ज़्यादा। वेल्ला मॉल बोल लो, वेल्ला मॉल। और ये देखो एक छोटा टनल, मज़ा आ जाए भाई। वाह वाह वाह। बट सामने यार ट्रैफिक वाले भी होते हैं समटाइम। भाई अभी जैकेट खोल दिया यार, क्योंकि सिटी में चलने में ना भाई बड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। और यहाँ से हम अप साइड की ओर मतलब इधर जाएंगे। अगर आप एमा मुँह से आ रहे हो, सबसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर यहीं पे है, सिनेपोलिस मॉल ये रहा, एंड इसी के 5th फ्लोर पे है। एंड यहाँ पे पास में एक और लोकेशन है किसान बाज़ार का, किसान बाज़ार भी देख सकते, किसान बाज़ार के जस्ट पास में ही है। यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं किसान बाज़ार में। अब इवनिंग टाइम में यहाँ माहौल बहुत सही होता है भाई, बहुत सही भाई। गर्म गर्म हवाएं शरीर को पप्पी लेते हुए जा रही हैं।
ये देखो सफारी का न्यू लुक यार, मस्त लग रहा है, सीरियसली मस्त लग रहा है। जिसका पीछे वाला वर्जन था ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाइस वर्क टाटा भाई, डे बाई डे अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता जा रहा है, और ये देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ कि कोई इंडियन ब्रांड है जो अदर ब्रांड को बीट कर रहा है। भाई साहब ये देख रहे हो, ये ओरिजिनल BMW है, अभी जो पीछे आ रहा है वो नकली है भाई। यहाँ देखो BMW दिख रहा है भाई ने स्विफ्ट में भाई BMW का लोगो चेप रखा है। वाह वाह वाह, ये जो पीछे आ रहा है ना ये तो नकली है मुझे लग रहा है, ओरिजिनल BMW ये देखो भाई साहब 6 लाख में मिल रहा है ये लिटरली भाई, क्या ही बोलूं। ये देख रहे हो ये पूरा पार्किंग बनाया गया, ये पूरा पार्किंग है, इधर में सारे काउंटर्स या जो भी आप एंट्री लोगे ये सारा पोस्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट रेडी है, इस साइड वाला एरिया रेडी है, उधर का रेडी हो रहा है अभी। रेडी ब्रो, एंड जिस दिन मैच होता है उस दिन भाई ये मॉल ऑलमोस्ट लेट तक खुला रहता है, मतलब लेट भी क्या, लेट नाइट खुला रहता है जब तक क्रिकेट चलता है, बिकॉज ऑफ कि पार्किंग भी यूज़ किया जाता है उस दिन, हाउसफुल होता है भाई चारों तरफ पार्किंग। और अगर आपको मैच देखना है भाई तो बहुत जल्दी आओ और अपना पार्किंग कवर करो, क्योंकि इसकी जो पार्किंग होती है मतलब स्टेडियम वाली जो पार्किंग है ना काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। और बताऊँ ये जो नया रोड है ना जिधर अभी हम जा रहे हैं ये साइड पार्किंग के लिए बना हुआ है, CP4 समथिंग कर करके सब नंबर लगाए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार पार्किंग के लिए बना दिया गया है। अब आई डोंट नो एक्चुअल यूज़ इसका क्या है, वो जिस दिन क्रिकेट होगा पता चल जाएगा, बट ये सब पार्किंग में यूज़ आएंगे भाई साहब। ये जो एरिया जहाँ तक कवर देख रहे हो ये सब स्टेडियम का एरिया है, ये सारा पार्किंग बनेगा, मतलब ये जब मैच होता है तभी होता है, उसके बाद सारा हटा दिया जाता है। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत सूट वूट निपटाया जाए, भाई जैकेट खोल दिया था भाई, गर्मी बहुत तेज का लग रहा था मेरे को, अब जैकेट लाया हूँ सूट करना है। सो ये रहा भाई, 5 महीना चला भी नहीं है, चार्जिंग स्लॉट में दिक्कत आया, तो ऐसा दिमाग में मिथ्य मत बनाया करो कि भाई आईफोन है तो कभी ख़राब नहीं होगा। भाई ध्यान रखना मशीन है और मशीन ख़राब होता है, ठीक है, चाहे मशीन कोई भी हो, चाहे बाइक हो या फ़ोन हो, तो ऐसे कोई मिथ पाल के मत रखा करो, उसके चक्कर में अपने पैसे वेस्ट मत किया करो। अगर ठीक है, अगर चॉइस है पैसा है तो बाई करो, अदरवाइज़ भाई मैं तो सजेशन करूँगा कि प्लीज़ अवॉइड, अपना एक्स्ट्रा खर्च मत करो, अगर आपको बजट अलाउ करता है तभी बाई करो, अदरवाइज़ फालतू में बाई करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी एक्सपेंसिव थी नॉट की आईफोन। सो चलो बस अभी अपन सूट निपटाते हैं पहले। 2000 years later चलो भाई खाने के बाद प्लासियो से निकला जाए फटाफट और कुछ फ़ोटो शूट वगैरह निपटाया जाए यार, क्योंकि एक वीडियो जो शूट करना था वो तो हो गया। भाई बेसमेंट में ना मज़ा आ जाता है गाड़ी को भगा करके, क्या गुंजता है भाई बहुत मज़ा आता है ब्रो।
भाई इस साइड कुछ भाई लोग अपने को बुलाएं, चलो मिल लेते हैं। भाई के पास भी RR 310 है। क्या ले भाई? हमने देखा दोनों एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, हमने को बुला के देखे। बिल्कुल। कब का मॉडल है ये? है भाई 2022 अप्रैल का। 25,000 प्लस चल चुका है ये। 25,000। आपने टेल हटा दिया, मैंने मडगार्ड हटा दिया यार। हालांकि मडगार्ड हटाने में ज़्यादा बेटर लगता है, बहुत परेशान करता है भाई, बहुत ज़्यादा। लुक वाइज ठीक है, अदरवाइज भाई सूट हो गया ख़त्म, और अपने पुराने टायर के कारण मैं भाई गाड़ी निकल नहीं पा रही है। मतलब अभी जो ड्रैग हो रहा था उसमें गाड़ी निकल नहीं रही थी, स्केट मार रहा था पीछे से तगड़ा। ओवरऑल भाई अपने गाड़ी में अभी ये कंफर्म हो गया कि टायर बदलना एकदम मैंडेटरी है, बिकॉज कि इसकी ग्रिप ख़त्म हो गई है और जो पावर में दिक्कत आ रहा है, बिकॉज कि गाड़ी निकल नहीं रहा इनिशियल में। चलो भाई लोग, प्यारा सा सनसेट हो चुका है एंड हम लोग वापस पूर्वांचल पे, एंड अभी यहाँ से निकलेंगे घर। और आज बाइक रहेगा लखनऊ में ही, मतलब बाइक को अपन छोड़ करके अपने गाँव जाने वाले हैं, एंड वहाँ से 2-4-5 दिन में कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम है उसे निपटा करके आते हैं। एंड कुछ काम है थोड़ा सा अर्जेंट, उसे देखते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे वापस से लखनऊ में। तो भाई ये रहा अपना खूबसूरत सा बाइक, एंड सामने थैंक यू हॉर्न बजाने के लिए, सामने मस्त खुला खुला स्पेस। ये जगह ना भाई सूट करने के लिए एक नंबर जगह है और बहुत बढ़िया प्लेस है। एंड भाई आज ये चीज़ कंफर्म हो गया कि मेरे को टायर बहुत ही जल्दी चेंज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि देखो भाई आज ना ड्रैग में हार के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एंड जो मेन इशू था ना, मैंने दिखाया था टायर पूरा घिस चुका था, बस सारा समस्या इस टायर का ही था भाई, क्योंकि देखो यार लाइनिंग भी आ चुका है यहाँ पे, जो हल्का सा ब्लैक लाइनिंग जो दिखता है ना, इसका मतलब होता है कि टायर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। सो ये रिप्लेसमेंट मांग रहा है, बिकॉज़ कि ये देखो ये सारे ये ग्रिप्स हैं ना सब टूट रहे हैं, तो इसलिए रिप्लेसमेंट मांग रहा है, और रिप्लेसमेंट इसको मिलेगा बहुत जल्द, उसके बाद फिर से एक बार ड्रैग किया जाएगा। सो कोई बात नहीं भाई, ये देख रहे हो भैया आईफोन चमका रही है, अरे रख ले भाई आईफोन, अभी जस्ट बनवा के ला रहा है, शर्म कर ले कुछ। तो बस भाई चलो वीडियो किसी एंड बात पे क्लोज़ करते हैं, ठीक है? वीडियो आपने यहाँ तक देखा है प्लीज़ लाइक करना, और ये बस बेसिक एक छोटा सा वीडियो था, हालांकि हम अपने एक मेन सूट निपटाने आए थे। तो मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो एंड सेफ राइड करो।